रही कि मैं रेकी को सीखूँ। सडनली मैंने कहीं पे इंक्वायरी के लिए कॉल किया और कॉल करने के बाद में सर का कॉल मेरे पास में आया। सर से मैंने बात की, बात करने में इतना अट्रैक्ट हुआ इनकी तरफ और मेरे को बहुत अच्छा लगा। सेम नेक्स्ट डे फिर मैंने सर से अपॉइंटमेंट लिया और सर से मैंने बात की कि सर क्या मैं आपके यहाँ पे आ सकता हूँ, रेकी के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। सर ने बोला मोस्ट वेलकम। सर के पास आया, मैंने बात की, मेरा कोई भी चांसेस नहीं था कि मैं रेकी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एक्चुअली मेरी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर भी मेरे वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ में 3 डेज के लिए 4 डेज के लिए आउटडोर्स की तरफ अगर मुझे घुमाने के लिए ले जाना चाहूँ तो मैं नहीं ले जा पाता क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा। सर से मैंने बात करके गया और सर से मैंने कमिटमेंट की क्योंकि बेसिकली संडे को मेरा अपना वर्किंग होती है और मेरा देखते हो बोलते ट्यूजडे को। और नेक्स्ट डे कुछ कंपनी के अंदर कुछ प्लानिंग चेंज कर दी थी, कुछ वर्क ऐसा था जो कि शटडाउन के अंदर जाना था। नेक्स्ट डे मैंने सर से सेम डे सर से कमिटमेंट करके गया, सर इज इट पॉसिबल कि कल अगर आप मेरे को सिखा पाए तो क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ। सर ने उस कंटे भी मेरा बहुत कॉपरेट किया और मोस्ट वेलकम मेरे को बोला। नेक्स्ट डे जैसे मॉर्निंग के अंदर मैं उठा, उतने साथ ही कंपनी के CMD का कॉल आया, मेरे को उनके घर पे किसी काम के चक्कर में जाना पड़ा। वहाँ से मैं 1 घंटे के बाद मैं फ्री हो गया मॉर्निंग में 10 o'clock। फिर मैंने सर को कॉल किया, सर क्या मैं रेकी के लिए आ सकता हूँ, फिर मेरे को मोस्ट वेलकम किया। और सेम डे मैं सर के पास में आया और मैं रेकी की फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री सीख करके मैं सर के पास में से गया। और सबसे पहले सर ने इतनी कोऑपरेशन से, इतने अच्छे से, इतना एक्सप्लेन करके फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री के बारे में जो सिखाया, जो बताया, जो कि मैं कभी भी लाइफ के अंदर नहीं सोच सकता कि अगर किसी बंदे के पास मैं सीखने के लिए जाऊँ, इतने अच्छे से और इतने एक्सप्लेन करके वो चीज़ उन्होंने सर ने मेरे को बहुत अच्छे से सिखाई। 3rd degree का सर से मेरी बात हुई कि सर ये 3rd degree का मैं कोर्स करूँगा। इस टाइम पे भी सर से मैं मिला था तो सर ने एक ही चीज़ मेरे को बोली कि अगर रेकी सीखने के बाद भी अगर हम अपने ऊपर चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते तो रेकी सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सर से बात की, उसके बाद में मैंने अपने ओनर्स को रेकी देना स्टार्ट कर दिया। और रेकी देने के बाद ही कि मैंने उनसे कॉल बात की कि मेरे को ऐसे ऐसे सर मेरी क्लासेस हैं 3 डेज की तो मेरे को परमिशन चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज रेकी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं लेकिन इसकी परमिशन मैं आज से 16 डेज पहले ले चुका था रेकी के लिए। तो रेकी सीखने के दौरान भी फर्स्ट डे में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई कंपनी के अंदर, सेकेंड डेज भी आई लेकिन ये है कि ओनर की तरफ से भी मेरे को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुई कुछ है क्योंकि मैं भी कॉन्टिन्यूस उनको रेकी दे रहा था ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए और मेरा ये कोर्स ईजीली बहुत अच्छे से हो जाए। ये 3 दिन मेरे ऐसे बीते हैं कि मेरे को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कल की बात है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस अभी स्टार्ट ही हुआ है और कम से कम आने वाले 3-4 दिन हमने और यहाँ पर आना। और सबके लिए सबसे थैंक्सफुल टू ऑल और आप सबके कॉपरेशन के लिए भी।